अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, और ये अनबॉक्सिंग है एक्वा इजियो बाय जॉर्जियो अर्मानी परफूमो। अच्छा, आज अनबॉक्सिंग कर रहे हैं परफ्यूम जो है, इसका बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बड़ा मशहूर परफ्यूम है। एक्वा डी जियो जो ओरिजिनल था उसका एक इंटेंस फॉर्म है ये एक्वा डी जियो परफ्यूमो, और आप इसको बहुत सारे उस पर आप देखेंगे साइट्स पे जो आपकी होती हैं कि कौन कौन से परफ्यूम अच्छे, तो ये टॉप 10 में हर जगह इसने होना है। तो जब मैं आज अनबॉक्सिंग बना चाहते हैं तो मैं अनबॉक्सिंग बना के दिखा देता हूँ कि परफ्यूम है, अच्छा परफ्यूम है, और परफ्यूम किस तरह का, यानी स्ट्रॉन्ग तो अब नहीं कह सकता, यानी विंटरी परफ्यूम है, अच्छा है कैजुअल वेयर के लिए। और मैंने मेन चीज़ जो मैंने सोची वो ये होना चाहिए कि मैं इसको बताऊँ कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि असली है कि नकली है, क्योंकि ये परफ्यूम जो है जैसे 75 ml बॉटल होती है ये, तो ये राउंड अबाउट तकरीबन $75 से लेके $90 तक, डिपेंडिंग ऑन द रिटेल एरिया जहाँ से आपने ख़रीदा है वहाँ पर। तो ज़ाहिर जब इतना महंगा परफ्यूम है तो बहुत सारे लोग इसकी नकल भी बनाते हैं, और नकल फ़ौरन बनती है महंगे परफ्यूमों की। तो एक तो तरीका मैं कुछ बताऊँगा कि अंदर बोतल में देख के क्या बताना है कि कौन सा परफ्यूम असली है या नकली है, मगर उसका फ़ायदा क्या, जब अपना बोतल देख के असली नकली बताना तो आपने तो खरीद चुके होते हैं उस वक्त तक। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैं आपको बाहर से बताऊँगा डब्बे की, इससे पता चलेगा कि घर परफ्यूम असली है कि नकली है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये परफ्यूम आप देख रहे हैं, अब मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे होंगे 75 ml है लिखा हुआ यहाँ पर। तो पहली बात तो ये है कि ये जो परफ्यूम है, अभी नज़र नहीं आ रहा, मैं दोबारा डब्बा जब खोलूँगा तो क्लियर नज़र आएगा, मगर आप आँख से देख रहे हो सही नज़र आ रहा होता है। तो 75, ये 40 ml में, 75 ml में, 125 ml में होता है। जो नकली डब्बा बना हुआ होगा इसका, वो मोस्ट प्रॉब्ली 100 ml में होता है, क्योंकि हमेशा जो नकली होती है 100 ml ही बनती है मेजोरिटी परफ्यूम्स की। तो एक तो पहला गिव अवे ये होगा कि आपका अगर ये 100 ml की बोतल है तो एक्वा डी जियो नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है। दूसरी चीज़ है इसका जो ऊपर हम देखते हैं कुछ, और कहते हैं पैकिंग का भी, अब देखिए ये पैकिंग है इसकी। अब ये सारा फ्लेक नीचे से लगा है इसमें, मेज पे है प्रॉब्लम। आप पैकिंग देखें कि कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल इक्वल, जैसे ये इक्वल हुई हुई है, ऐसी होनी चाहिए पैकिंग, और यहाँ से बिल्कुल बराबर इक्वल फोल्ड हुए हुए हैं, ये कहने की बातें हैं। पीछे इसका रबर वो भी आ रहा है, कई दफ़ा ये होता है कि ट्रांसपोर्ट के दौरान जब बॉक्सेस मंगाते हैं तो उसमें ये कवर उतर भी जाते हैं कई दफ़ा, तो वो फिर दोबारा कवर चढ़ा भी देते हैं। तो ये इस नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। ऊपर इसके यहाँ पर मोनोग्राम है, जो आपको वैसे आप देखें तो नज़र आ रहा है बीच में, बल्कि मैं इसे खोल ही देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें, क्योंकि ग्लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, सुबह बाहर बैठे हुए तो ग्लेयर की वजह से पता नहीं चलता। वैसे मैं डब्बा पूरा दिखाना, वैसे आप पैकर के ऊपर से आप देख सकते हैं कि ये इसका मोनोग्राम है, ये एग्जैक्टली मिडल में होना चाहिए मोनोग्राम, ये आप देख रहे हैं, ये मोनोग्राम है इसका जॉर्जियो अर्मानी का, जी एन ए होता है लिखा हुआ, ये बिल्कुल बीच में देख रहे हैं आप, ये मिडल में होना चाहिए। दूसरी बात जो है इसकी, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि 75 ml ये नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, 75 ml ये है, और साथ ये लिखा हुआ है 2.5 fluid ounces है। उसके बाद जो ये है कि जो ये एक्वा डी जियो लिखा होगा ऊपर, ठीक है ना, ये जहर सी बात है एम्बोस्ड होता है, यानी उठा हुआ होता है, जो नकली वाले होते हैं उसमें ये इंग्रेव होता है, यानी अंदर की तरफ गया हुआ होता है, जी की जो फीलिंग है ये अंदर की तरफ होती है, जबकि जो असली वाले में ये बाहर लेटर्स बाहर की तरफ हैं, यानी ये सी जो है उठा हुआ है, सॉरी सी नहीं, जी जी आई ओ, सारे जो लिखे हैं वर्ड्स ये सारे उठे हुए हैं और सारे फील होते हैं परफॉर्म एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ द बार कोड ऑन द साइड, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये करता है कि नहीं, मगर बार कोड भी सीधा होना चाहिए कि मतलब अच्छा होता है। बाकी पीछे जो चीज़ें लिखी होती है मोस्ट प्रॉब्ली नकल ही की होती है, सारा मामला वही होता है। एक और जो मेन चीज़ है जो बाहर से आप देख सकते हैं वो ये है कि ढकना कहाँ से खुलता है इसका। अब जो उसका मेन जो नकली डब्बे होते हैं उनमें ये ढकना जो है बॉक्स यहाँ से खुलेगा, पीछे से ऊपर आएगा, असली बॉक्स में ये इस तरह खुलता है ऐसे फ्रॉम फ्रंट। तो ये एक बहुत बड़ा गिव अवे है, जो ये तीन चार चीज़ें हैं जो आप देख के डब्बे को देख के बता देते हैं कि ये असली है कि नकली है परफ्यूम, ठीक है। तो बाकी चीज़ें अब अंदर की तरफ आते हैं, अब हम देख लें ये सामने से खुलेगा,
परफ्यूम को हम निकाल लेते हैं। जैसे ब्लैक बोतल है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बोतल है, इतनी ब्लैक नहीं है कि आपको उसके थ्रू नज़र ना आए। जो नकली वाली होगी उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत कम हो गया। अभी देख रहे हैं, यू कैन सी द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनसाइड इट, सेमी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। वो भी सेमी ट्रांसपेरेंट होगी मगर थोड़ा मुश्किल होगा देखना इसमें। आप देखें इतनी ग्लेयर के साथ भी आप परफ्यूम की लेवल देख सकते हैं कि परफ्यूम यहाँ तक भरा हुआ है। सेकेंड थिंग इज़ द कैप, जैसे कैप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में है, और ये जो है इसका वो जो है जॉर्जियो अरमानी का जी एन ए जो है, ये कैप जो है आप इसको घुमाएंगे तो ये वापस आ जाएगा। मैग्नेट सब में होते हैं, मैग्नेट की जो है ना, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि मैग्नेट कैप्स नहीं होते। अब लोग वो भी चलाक हो गए, उन्होंने मैग्नेटिक कैप्स बनानी शुरू कर दी हैं मगर वो लो क्वालिटी की होती हैं। तो इसका मैग्नेटिक कैप इतना सख्त होना चाहिए कि आप कैप को पकड़ें कि बोतल को उठाएंगे तो बोतल पूरी उड़ जाती है, उसमें ये मसला नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जब आप कैप को आप जिस तरह भी घुमाएंगे या टर्न करेंगे वो उड़ जाएगी, खुल जाएगा कैप, और आप जिस तरह भी लगाने की कोशिश करेंगे वो सीधा होकर चिपकेगा। ये देखिए मैंने इस तरह करने की कोशिश की, इस तरह लगेगा ही नहीं, ये घूम के वापस लगेगा एक ही जगह पर सीधे, उसमें ये आके लगेगा डोलचियन को, ये सॉरी जॉर्जियो अरमानी का मोनोग्राम। दिस इज अनदर थिंग जो आपको ये बताता है कि ये बोतल असली है। तीसरी बात ये है कि बोतल के नीचे जॉर्जियो अरमानी का परफॉर्मो एंड परफ्यूम एवरीथिंग लिखा होगा बीच में, जैसे नॉर्मली लिखा होता है, वो नकल भी हो सकती है। मगर बोतल की आप सफाई देखें कितनी खूबसूरत, कोई चीज़ आउट ऑफ प्लेस नहीं है, कुछ और मसला नहीं है, सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। तो ये बोतल की साफ लगता है कि बोतल की बढ़िया क्वालिटी है। उसमें कई दफ़ा ये होता है कि लाइनें जो होती हैं जो बीच में आ रही हैं, ये आगे हैं ये पीछे हैं, कभी वो मसला। तो वो एक और मेजर थिंग कि आप बॉक्स को नीचे देखेंगे आप, तो ये इसका लिखा हुआ बैच नंबर, और यहाँ आपको तिरछा करके देखें तो इसके नीचे लिखा होगा कि ये बोतल का ये जो इंग्रेव हुआ हुआ होगा 36 जो लिखा हुआ है बीच में, उन्होंने 38MNO2 लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है, यहाँ देखें ये आपको पिकअप हो रहा होगा नहीं, तो वो इसके नीचे होगा, इस नंबर के जो बैच के नीचे नंबर वो लिखा होगा जो बोतल का नंबर। और जब आपने बोतल देखनी है बोतल के बैक पे ये नंबर होना चाहिए, यही लिखा हुआ है 38MNO2। तो अगर ये लिखा होगा इसका मतलब ये बोतल असली बनाई है, बोतल नकली है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो एक्वा डिजियो मैं बोतल को असली नकली को बता सकती हूँ। एज अ परफ्यूम इट्स अ वेरी गुड परफ्यूम, कैजुअल वेयर के लिए है, रात को भी पहन सकते हैं सुबह भी पहन सकते हैं, और ये आप विंटर एंड समर दोनों में चलता है। बड़ा अच्छी परफ्यूम है, बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, प्रोजेक्शन इसकी तकरीबन 1-1.5 फुट तो है कम अज़ कम, और लंगजेविटी इसकी तकरीबन 4-5 घंटे है, कभी कई स्किनों पर 7-8 घंटे भी हो सकती है। एंड एज अ रेटिंग ऑन ओवरऑल रेटिंग जो है ना, मैं तो कम अज़ कम जो 9-8 और 8.5 तो 100% है। तो इट्स ऑन पार विद ब्लू डी शनेल। तो ये मेरी अनबॉक्सिंग थी एक्वा डिजियो जॉर्जियो अरमानी परफ्यूम की। अच्छा, और भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, उसमें जो है वो एटमाइज़र का भी है कि वो सफाई से होना चाहिए। एटमाइज़र अंदर से ही ग्रे है, नकली में ग्रे नहीं होता, ब्लैक होता है। ये आप देख रहे हैं जो अंदर का एरिया है एटमाइज़र की स्प्रे निकलता है वो ग्रे रंग का होता है। कुछ चीज़ें जो मुझे याद आ रही हैं, कैप और ये सब कुछ जो है, तो ये कैप को पकड़ने का सबसे मेन बात हुआ थी। परफ्यूम इज़ गुड, तकरीबन 7,800 से लेकर 8,500 की किस्मत के मुताबिक मिलता है, एंड इट्स वर्थ इट। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, और अगर आपने और वीडियोस देखनी है परफ्यूम्स की तो आप पीछे बैक ट्रैक करके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और परफ्यूम्स में करता रहूँगा। एक मैंने एक और परफ्यूम सवाज जो है क्रिश्चियन डियोर का, उसकी भी अनबॉक्सिंग बनानी भी थोड़ी देर में, तो वो भी मैं अपलोड करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। थोड़ा सा मैं इस परफ्यूम के बारे में भी बता दूँ, मैंने इसका रियल फेक तो बता दिया, वो मैंने ऐड नहीं किया था बीच में कि परफ्यूम किस तरह का है। ये पहली दफ़ा जब स्प्रे करेंगे तो लेमन जेस्ट तक की खुशबू आएगी, पर आहिस्ता आहिस्ता वो सेटल डाउन कर जाती है। एक्वा डिजियो जो लोगों ने पहले यूज़ किया हुआ उसी का इंटेंस फॉर्म है, मगर थोड़ा लिंगर अराउंड डिफरेंट तरीके से करता है, और जब 1-2-3 मिनट के बाद एक अच्छी स्मेल आना शुरू होती है उसमें। तो मोस्ट प्रॉबली ये आइट से कि मोस्ट ज़्यादातर समर की तरफ है, विंटर में भी पहन सकते हैं मगर समर में सुबह के टाइम में बड़ा अच्छा परफ्यूम है ये, जब आपको गर्मी शर्मी पसीना वगैरह, और उसके लिए बड़ा अच्छा परफ्यूम है। अब कितना कवरेज देता है वो हर एक डिपेंड करता है, ड्राई स्किन पे ज़्यादा कवरेज देगा, ड्राई स्किन पे कम कवरेज देगा, वेट स्किन पे जो कि ऑयली पे ज़्यादा देगा। तो ऐसे कुछ परफ्यूम टेस्टेड परफ्यूम है, बहुत लोगों को पसंद ही आता ज़्यादा लोगों को, सो रिग्रेट नहीं करेंगे आप ख़रीद के, मगर यह है कि ये बताना ज़रूरी था किस तरह का, यानी लेमन इज जेस्टी एंड देन लिंगर्स ऑन टू सिंपल व्हाट यू कॉल इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे नहीं होता
टबैको जेस्ट, लेमन जेस्ट का जो मिक्सचर होता है उसमें खुशबू लिंगर ऑन, लेमन भी थोड़ा थोड़ा बीच में आता रहता है। ओके, बस शुक्रिया।